Assalamualaikum, this is Varda Shoaib and welcome to Varda's Kitchen. जनाब वर्दास किचन में आज बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बन रही है। वैसे तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ डिफरेंट कुछ मज़ेदार सा लेके आएँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब घर में बंद हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्रेविंग्स होती हैं स्नैक्स की, कहाँ से पूरा करें। तो हमने कहा कि क्यों ना आज ऐसा ही एक चटपटा और मज़ेदार सा स्नैक हम आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आपकी मिडनाइट क्रेविंग हो या फिर टी टाइम क्रेविंग हो या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप जो है वो पार्टी कर रहे हो तो उसमें भी आप जो है अपनी स्नैक्स के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, इसे आप फिंगर फूड भी कह सकते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं सोचिए सोचिए, जब तक मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स पे एक नज़र मारिए। जनाब आज हम बना रहे हैं नाचोस, फुली लोडेड चीज़ी नाचोस बनाएंगे आज हम। नाचोस सबको पसंद होते हैं, चीज़ सॉस के साथ भी होते हैं, एक तो वैसे ही घर में बैठे बैठे जो है वो सबका वेट बढ़ रहा है, सिर्फ खा रहे हैं और घर में हैं तो। लेकिन मैंने सोचा कि इसको आज वेजिटेबल के साथ बनाते हैं हम, एक वेजिटेरियन फ्लेवर हम इसको देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन या फिर मिन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन ऑलरेडी मिन्स खा खा के इंसान बोर हो जाता है, कभी कभी दिल चाहता है कि आप स्नैक्स में जस्ट एक वेजीज़ भी यूज़ करें, सो इट शुड बी अ हेल्दी एज़ वेल। तो हम इस तरह से हम नैचोस बना रहे हैं आज। तो जनाब सबसे पहले नैचोस के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए मुझे, जो मेरे पास वेजीज़ के फॉर्म में मैंने कट करके रखे हुए हैं। मेरे पास हैं यहाँ पे कर्नल कॉर्न्स, जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं फ्रोज़न, आप ले लीजिए उसको, डीफ्रॉस्ट कर लीजिए, वो जाएंगे इसमें, वो मैं ले लेती हूँ। ऑलराइट, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है, मैंने अराउंड हाफ अ कप लिया है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे नैचोस हैं रेडीमेड जो आपको मिल जाते हैं, ये नैचोस ये आप लेके रख लीजिए, मैंने इसको ऑलरेडी दो से तीन पैकेट लिए थे, वो मैंने अलग रख लिए करके। अच्छा, इसकी हम मिक्सिंग जो कर रहे हैं इसके लिए मैंने कॉर्न्स ले लिए, एक मीडियम साइज़ की प्याज को जो है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया, वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये एक बहुत ही क्विक बनता है, अगर आप कोई अचानक से कोई फैमिली फ्रेंड आ गए हैं या कोई भी आ गया है आपको सर्व करने के लिए चाहिए तो आप ये भी आराम से सर्व कर सकते हैं। कैप्सिकम क्यूब कट, अगेन अगर आप चाहें तो आप रेड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे टमाटर एक अदर डी सीड करके, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है विद स्किन, हो जाएगा इसमें बहुत ही कलरफुल सा हो जाएगा, अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। ब्लैक ऑलिव्स 2 टेबल स्पून अराउंड, ये ब्लैक ऑलिव्स का जो टेस्ट ही जो है वो इन्हांस कर देता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ऊपर नीचे, आप देखें कितना कलरफुल सा कितना यमी सा लग रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप इसमें चाहें, अगर आपके पास चिकन है तो आप चिकन जो है वो ब्लैक पेपर सॉल्ट और लाइक मिर्चें लगा के आप जो इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, इसको श्रेड करके आप इसमें यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑरिगानो है मेरे पास 1 टीस्पून, वो डालेंगे इसमें हम। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हो जाएगा इसमें। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा चटपटा सा एक फ्लेवर देने के लिए इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, वो भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड करने के लिए, मज़ीद इन्हांस करने के लिए इसमें हम 2 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे। इससे एक तो तमाम जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं उससे एक अच्छी से बाइंडिंग हो जाएगी, एक सॉसी सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए 1 एंड 2, ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने जो है केचप इसमें ऐड किया है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़, दोनों को मिक्स किया हुआ है। आप चाहें तो आप दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो खाली चेडर या फिर खाली मोज़रेला चीज़ भी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, बाकी रिमेनिंग मैं सेव कर लूँगी ऊपर से टॉपिंग के लिए। और ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं लाइक दिस। ये हो गया हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब बारी आती है असेंबली की, अब असेंबलिंग करेंगे हम। काउंटर पर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर मैंने बहुत बारीक चॉप करके रखा है, लाइक फ्रेश हरा धनिया, वो इसमें ऐड कर लीजिए, उससे ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा एक खुशबू भी आएगी इसकी, एंड अगेन इट्स हेल्दी। दो डन, इसको ही मिक्स कर लेते हैं हम लाइक दिस। ये देखिए, अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, तो ये हटा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसकी असेंबलिंग मैं करूँगी, मेरे पास ये एक पैन है, एक ओवन प्रूफ आप डिश ले लीजिए, आपके पास ओवन प्रूफ प्लेट है, ओवन प्रूफ प्लेटर है, बोल है आपके पास, अगर वो है तो वो ले लीजिए। अच्छा, इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, मैं ओवन का यूज़ कर रही हूँ चीज़ मेल्ट करने के लिए। बेसिकली हमें चाहिए चीज़ मेल्ट करने के लिए, ताकि आप जो है इसको ओवन में रख दें जब हार्डली जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए, जैसे ऊपर की ग्रिल ऑन करके, ताकि इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए।
और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप एक बड़ी पतीली या बड़ा कढ़ाई ले सकते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करके आप उसमें एक ग्रिल रख के या थोड़ी सी कोई छलनी अगर आपके पास है वो रखे, उस पर आप अपनी जो है अवन प्रूफ प्लेटर रख दीजिए, लिड रख दीजिए उसके ऊपर, 10 मिनट के लिए चीज़ मेल्ट हो जाएगी एंड नैचोज विल बी रेडी। अयर जी, अब जो नैचोज हमारे पास रखे हुए थे हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। पहले नैचोज की लेयर लगा लेते हैं हम इस तरह से। ये इस तरह से पूरी डोरिटोस की जो है वो आपने एक लेयर लगा दी। अब उस पर हम लेयरिंग करेंगे जो मिक्सचर हमने बनाया है उसकी, इस तरह से। इसमें चीज़ भी है, इसमें सारी वेजीज भी हैं, फ्लेवरफुल है बहुत। अच्छा, मिर्चें अगर आप चाहें, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्चें जो हैं वो इसमें बढ़ा भी सकते हैं। लाइक मैंने 1 teaspoon ऐड करी है कुटी हुई लाल मिर्च, आप जो है 1-2 teaspoon तक भी जो है वो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये देखें इस तरह से इसको फुल्ली ये लोडेड बनेगा। इसको हम यहाँ पे चारों तरफ डाल देते हैं लाइक दिस। ये हो गया एंड उसके बाद थोड़ी सी चीज़ रिमेनिंग हमारे पास रह गई है वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर हम लाइक दिस एंड देयर यू गो, ऑल सेट एंड रेडी टू गो इन द अवन। मेरे पास यहाँ पे मैंने अवन को जो है वो प्री हीट करके रखा हुआ है, सिर्फ ऊपर की ग्रिल ऑन की हुई है मैंने, तो उसमें मैं रखूँगी इसको जस्ट 10 minutes के लिए। और जी 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं और चल के देखते हैं हमारे नैचोस जो हैं श्योर रेडी हो चुके होंगे क्योंकि सिर्फ चीज़ ही तो मेल्ट करनी थी। और यस, ये देखिए नैचोस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं, ये ज़बरदस्त। ये देखें जनाब, फुल्ली लोडेड चीज़ी मैक्सिकन नैचोस आर रेडी। और इसको आप चाहें तो आप ऊपर से जो है वो एक्स्ट्रा केचप के साथ या हॉट सॉस के साथ, मैक्सिकन है तो ऑलरेडी स्पाइसी तो होता है ये। और ये देखिए वाओ, लुक एट इट, गरम गरम, आई रियली वांट टू टेस्ट। ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और फीडबैक देके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल वरदास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ईट गुड फील गुड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।